हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में जिसका उपयोग इमरजेंसी केसेस में करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेफेंटर्मिन इंजेक्शन के बारे में, हम बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में और हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेफेंटर्मिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, जो मेफेंटर्मिन इंजेक्शन होता है ये एक प्रकार का इमरजेंसी इंजेक्शन होता है जिसका उपयोग इमरजेंसी केसेस में करते हैं। दोस्तों, क्या होता है जब किसी व्यक्ति की अचानक से बीपी घट जाती है, बीपी लो हो जाती है, दोस्तों उसको नॉर्मलाइज करने के लिए मेफेंटर्मिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसके ब्रांड नेम के बारे में, दोस्तों आपको फार्मेसी पे या मार्केट में आपको बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम नाम से टर्मिन नाम से यह इंजेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो मेफेंटर्मिन इंजेक्शन होता है ये एक प्रकार का इमरजेंसी इंजेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का इमरजेंसी इंजेक्शन होता है जिसका उपयोग हाइपोटेंशन में करते हैं, यानी जब बीपी घट जाती है उसको बढ़ाने के लिए मेफेंटर्मिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। और दोस्तों, ये मेडिसिन क्या होती है, ये मेडिसिन जो होती है सिम्फेटोमिमेटिक ग्रुप की मेडिसिन होती है। कौन सी मेडिसिन? मेफेंटर्मिन मेडिसिन, ठीक है। मेफेंटर्मिन मेडिसिन जो होती है सिम्फेटोमिमेटिक ग्रुप की मेडिसिन होती है, जो कि दोस्तों क्या होती है, अल्फ़ा वन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। जो कि दोस्तों क्या करती है, अल्फ़ा वन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, बीपी इंक्रीज हो जाती है, बीपी नॉर्मलाइज हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेफेंटर्मिन के ओवरऑल यूज़ के बारे में। दोस्तों, इसका उपयोग डिक्रीज बीपी में करते हैं, यानी लो बीपी में इसका उपयोग करते हैं, यानी इसका उपयोग हाइपोटेंशन में करते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की अचानक से बीपी घट जाती है, उस कंडीशन में बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए मेफेंटर्मिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेफेंटर्मिन इंजेक्शन का उपयोग किस सिचुएशन में करते हैं। दोस्तों, इस इंजेक्शन का उपयोग ऑपरेशन से पहले करते हैं। दोस्तों, जब मरीज को एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी जब शून्य का इंजेक्शन लगाया जाता है, दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है, मरीज को हाइपोटेंशन हो जाता है, बीपी अचानक से घट जाती है। दोस्तों, उस कंडीशन में बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए मेफेंटर्मिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, ये तो रहे मेफेंटर्मिन के कुछ यूज, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसके दुष्प्रभाव के बारे में। दोस्तों, मेफेंटर्मिन इंजेक्शन से यानी इसके ओवरडोज से हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी बीपी बढ़ सकती है। और दोस्तों, इंसोम्निया यानी नींद आने में समस्या हो सकती है, यानी सोने में प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर यानी हृदय से संबंधित डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, मरीज को एंजाइटी यानी चिंता और तनाव हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो रहा आज का वीडियो मेफेंटर्मिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।